जब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, अब पूरे कस्बा में, पूरे प्रखंड में, पूरे जिला में सोशल मीडिया पे वीडियो आरती छोटू की प्रेम कहानी की दास्ता जब वायरल हुआ था तो हर लोग मोबाइल में टिप 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 करके देखते थे। और ऐसे में एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था जब मौलाना साहब आरती के घर जाते हैं और उनकी कहानी को अपने शब्दों में पिरो देते हैं, तो इनको देखने वाले, इनके चाहने वाले, इनको कॉल करने वाले परेशान कर देते थे कि मौलाना साहब हमारे शादी में आइए, हमारे मिलाद में आइए, हमारे घर आइए, परेशान रहते थे। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौलाना साहब से जब भी हमारी बातचीत होती थी तो मौलाना साहब फ़ोन पर बताते थे और एक बार फिर मौलाना साहब से हमारी मुलाकात हो गई। देखिए, मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया, कि ये आपकी मोहब्बत की दलील है कि मैं इससे पहले आरती के यहाँ, आरती के हमारी मुलाकात हुई और आज अल्लाह एक चीज़ है, आपकी मोहब्बत में मैंने गीत लिखा है, सोचता हूँ कि मैं पढ़ दूँ क्या। हाँ हाँ, जी जी, कंटिन्यू। देखिए, आपसे कंटिन्यू बहुत मोहब्बत है आपसे जी, शुक्रिया। ये आपका अपनापन है, ये मोहब्बत है, बे इंतहा मोहब्बत मैं करता हूँ आपसे। मैंने आपके लिए लिखा है गीत चार मिसरे का। सच के चिराग है ये मेराज भाई, ये मेराज भाई। सच के चिराग है ये मेराज भाई, ये मेराज भाई। और मेराज भाई जो है ना, मजलूमों की आवाज़ को बुलंद जो करते हैं, मैंने उस इनकी आवाज़ को, इनकी जो मतलब अंदर की कैफियत को मैं बयान किया हूँ, और इनका जो तौर और तरीक़ा रहा है गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने का, जो सिलसिला रहा, मैंने इस गीत के अंदर उसको पिरो दिया है। कहा, सच के चिराग है ये मेराज भाई, ये मेराज भाई। मजलूमों की आवाज़ बने, मजलूमों की आवाज़ बने, मेराज भाई, ये मेराज भाई। मेहनत करे ये खूब जतन से, मेहनत करे ये खूब जतन से, डरते नहीं कभी कोई दबंग से, डरते नहीं कभी कोई दबंग। चाहा जिसे जनता वो मेराज भाई, हो गया हो गया, गया। मेराज भाई, शुक्रिया। चलिए देखिए, मौलाना साहब किस तरीके से बोलते बोलते हमारे पे भी गीत गा देते हैं, गीत लिख देते हैं। अभी अभी तो बैठ के मैं लिखा हूँ, अभी तो, अभी लिखे हैं तो? अभी लिखे हैं तो, अभी तो 5 मिनट मिले हैं, 5-7 मिनट। हाँ, जब मैं आया हूँ तब लिखा हूँ, नगमा के घर बैठ के। हाँ, नगमा के लिए तो वहाँ से लिख के लाया था, यहाँ जब आपको देखा तो सोचा के बेहतर ये कि आपके ऊपर भी लिख दूँ। मैं जल्दी से 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने लिख दिया। चलिए मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपना मोहब्बत हमें दिया। हाँ, यकीनन हम इसके कर्ज़दार रहेंगे। बाकी मौलाना साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मौलाना साहब, अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहता है शादी ब्याह समारोह में, तो कोई नंबर वगैरह है बता दीजिए, दर्शक आपको बुला लेंगे। नंबर है, क्योंकि शादी ब्याह में बारहा हम जाते रहते हैं, प्रोग्राम वगैरह में, मिलाद वगैरह में, जलसे वगैरह में, अकीका वगैरह में लोग करते हैं तो बुलाते हैं। नंबर खास, मेरा नंबर है 99-73-45-46-93। एक बार फिर बताएं, 99-99-73, मुझे इंग्लिश नहीं आती है इसलिए मैं बता रहा हूँ, 99-73-45-46-93, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और ये नंबर मेरा कभी ख़त्म, जन्नत में भी मेरे पास यही नंबर रहेगा। जन्नत की बात आप क्या कर रहे हैं? हाँ, जन्नत में भी रहेगा, मेरा यकीन है भाई, आप यकीन कीजिए ना। हाँ हाँ, देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मौलाना साहब। अगर आप भी बुलाना चाहते हैं शादी में, समारोह में, किसी मौके से, तो आप भी आएँ, बुलाइए। और मौलाना साहब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।